कहाँ से हैं आप? हाजीपुर से। हाजीपुर से। बिजनेस कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। थाईलैंड टूर अचीव किया राजेश जी ने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार करके आए हैं, दोबारा किए हैं। दोबारा किए हैं। अच्छा, इस बार इन्होंने टारगेट लिया आपके साथ जाएंगे थाईलैंड? जी। चलेंगे आप? जी। चलिए ठीक है। आप सभी सर लोग को नमस्ते मित्र। नमस्ते। चलिए सब लोग नमस्ते ग्रहण कर ले। आपको 5 मिनट है सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। असली मजा तो तब है जब आप स्टेज पे आएंगे दोस्त। यस, असली मजा तब आएगा जब आप स्टेज पे आएंगे, ठीक है ना? और मेरा टारगेट अभी भी वही है, 2.5 महीना बीत गया है, बट मेरा टारगेट वही है कि 20 लोग हमारे साथ जरूर जाएंगे। 20 लोगों को बिना लिए हुए टूर कराए हुए दोस्तों, थाईलैंड टूर अच्छा नहीं लगेगा। 20 लोग जो है राजेश जी, 20 लोग हैं, हॉल में बैठे हैं, हॉल में ही बैठे हैं, यही है सर। अच्छा, 20 लोग इसी में है, इसी में है। और काफी लोगों का सर अच्छा टूर पॉइंट जो है ना इकट्ठा भी हो चुका, इकट्ठा हो चुका है। अच्छा, तो उनको बता दो 5 तारीख तक है, बस ये बता दो। हाँ, ये निश्चित तौर पर ये कहा गया है कंपनी की तरफ से कि 5 दिसंबर तक है। और एक दो बातें हम करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कंपनी के अंदर में हमने महामहिम में जो कृति हम लोगों को दिए हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले घनघोर ताली हो सर के लिए, घनघोर ताली सर के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर सूत्रधार न हो तो ये कारनामा नहीं होता। ये कृति ऐसी है, ये रचना ऐसी है, एक एक लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं उनके चेहरे के ऊपर हंसी है, इसका कारण मात्र सर है दोस्तों। दूसरी जो शख्सियत, आज मैं हर बार बोलता हूं, हर मीटिंग के अंदर में बोलता हूं कि जो हमारा मीडियम है, जो हमारा माध्यम है दोस्तों, वो प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट के पीछे दिन रात जो पर्दे के पीछे जो खेल खेला जाता है दोस्तों, सामने में जल्दी नजर नहीं आता, बट उसकी हकीकत मुझे पता है कि 160 प्रोडक्ट कितनी मेहनत से लाई गई है दोस्तों, कितनी मेहनत से लाई गई है, और चुन चुन के प्रोडक्ट लाई गई है। उस शख्सियत का नाम है, उनका नाम है दोस्तों गगन कुकरेजा सर। मैं चाहता हूं कि जबरदस्त तालियां हो उनके लिए, जबरदस्त तालियां। ये प्रोडक्ट, ये रचना, इसको हमारे जीवन में उतारने का जो काम किया दोस्तों, आप सबको पता ही है कि अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। हमारे अरुण कुमार विश्वास सर, नेशनल प्रमोटर, ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, ग्रेट मोटिवेटर सर, बोलते रहे हैं कि टेन अगर स्पीकर को चुना जाए तो उसमें से, अगर MLM के बेस्ट 10 स्पीकर को चुना जाए उसमें से एक स्पीकर निकल के आएंगे हमारे सर। बहुत ही बड़ा उनके अंदर में मल्टी लेवल मार्केटिंग का दोस्तों नॉलेज है। हम चाहेंगे कि एक एक लोग उनसे जरूर सीखें, अपने क्षेत्र में बुलाएं, बिजनेस डेवलप करें। और एक और शख्सियत है दोस्तों, कुमार निलोकवल सर हमारे जस्ट अपलाइन है दोस्तों। मैं चाहता हूं किसी कारणवश यहां पे नहीं है आज, उनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जबरदस्त तालियां। सारे लीडर्स का मैं सम्मान करता हूं। देखिए एक एक लोगों का योगदान होता है, एक एक लोगों का योगदान होता है। ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, प्रदीप जी बैठे हुए हैं, भूषण जी बैठे हुए हैं, ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, सुबोध जी बैठे हुए हैं, दीपक झा सर बैठे हुए हैं, शंभू सर बैठे हुए हैं, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं, देखिए चाहे हम उनके डाउनलाइन के अंदर में हो अथवा नहीं हो, बट उनकी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग से हम सीखते रहते हैं, और सीखने का नतीजा है दोस्तों कि हम यहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों आज जितने भी हमारे पार्टनर्स बैठे हुए हैं, जितने भी पार्टनर्स बैठे हुए हम ये बोलते हैं, अब मेरा काम सिर्फ यही है कि आप हनुमान जी तो हैं ही, मैं जामबंद का काम ऑलवेज करता रहूंगा जब तक कि आपको थाईलैंड नहीं पहुंचाऊंगा दोस्तों। ये सीखने का बिजनेस है,
आप सब लोगों का जीत है ये, लेकिन ये जीत तब पक्की मानी जाएगी जब 20 लोग जाएंगे हमारे साथ। आर यू रेडी? सही में बिल्कुल रेडी होना है दोस्तों। और काम की गति अभी से लेके, अभी क्या टारगेट दिया सर ने हमें कि 100 प्लान दिखाना है। अभी मान लिया 20 लोग, अगर 20-20 लोगों को मीटिंग के अंदर में, वो क्या लगता है 100 प्लान नहीं होगा? 100 लोगों का प्लान होगा कि नहीं होगा? नंबर गेम है। मुझे एक ही बात समझ में आई है, अरुण सर भी हमें हर समय बोलते रहते हैं कि नंबर गेम है ये, नंबर की संख्या बढ़ाइए, प्लान की संख्या बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और पिछले 1-1.5 महीने के अंदर में हमने यही किया है और कुछ भी नहीं किया। जिस समय हमारे पार्टनर्स बोले, चाहे वो भूषण जी हो, प्रमोद जी हो, चंद्रकांत सर हो, दिलीप जी हो, ये पांडे सर बैठे हुए हैं, सत्येंद्र जी हैं, राजन जी हैं, बहुत बादल बदल जितने भी हमारे पार्टनर्स आज बैठे हुए हैं यहाँ पे, धर्मेंद्र सर बैठे हुए हैं उधर, हर लोगों के लिए हमने ना नहीं बोला है। और वो जो लेजीपन वाली बात आई थी ना, वो मैंने पहले छोड़ दिया। नतीजा ये थाईलैंड टूर निकल गया दोस्तों। आप करें, निश्चित तौर पर आपका भी होगा। थैंक यू। जय स्वामी।